वेन टू बबल्स कंबाइन इन वैक्यूम, दो बबल्स का कॉम्बिनेशन है, दो बबल्स का कॉम्बिनेशन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। मतलब आपने ड्रॉप कॉम्बिनेशन तो सुना होगा, लास्ट क्लास में भी किया था कि दो ड्रॉप मिल गए, बड़ा ड्रॉप बन गया। तो पहला काम क्या होता है, ड्रॉप के वॉल्यूम को इक्वेट करना कि अंदर का जो पानी है वो ऑब्वियसली बड़े ड्रॉप में चला गया, तो वॉल्यूम बराबर रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बबल कॉम्बिनेशन है, दो बबल की हवा एक बड़े बबल में शिफ्ट हो गई। बिल्कुल भी मत बोलना कि वॉल्यूम सेम रहेगा ना, क्योंकि गेम ऑफ प्रेशर भी है यहाँ पे, यहाँ प्रेशर भी है, बबल फट भी सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगर ये नहीं बिल्कुल स्टेबल है और बबल कंबाइन हो गए और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, तो ये रिजल्ट लगेगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है, पी वन वी वन प्लस पी टू वी टू इज इक्वल टू पी इंटू वी। जब दो गैसेज मिलती हैं, दो गैसेज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मिलती हैं, यही तो रिजल्ट लगाते हो, पी वन वी वन प्लस पी टू वी टू इज इक्वल टू पी इंटू वी। अब क्योंकि बबल के अंदर जो प्रेशर होता है वो इनसाइड का प्रेशर माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 40 बाय आर होता है। उसने वर्ड वैक्यूम यूज़ किया, एयर बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, एयर का एटमोस्फेरिक प्रेशर निगलेक्टेड है इसमें। तो अगर आपने एयर को एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं लेना वैक्यूम के अंदर, तो इनसाइड का प्रेशर क्या बनेगा, सिर्फ 40 बाय आर। तो उसने स्पेशल बोला, और क्वेश्चन बोलेगा भी वो स्पेशल कि आपने एटमोस्फेरिक प्रेशर को नहीं लेना, स्पेशल केस है। तो 40 बाय आर, तो यानी कि पहले बबल का प्रेशर क्या था, 40 बाय आर वन, जब वॉल्यूम क्या था, 4 बाय 3 पाई आर वन क्यूब। सेकेंड का 40 बाय आर टू, जब वॉल्यूम 4 बाय 3 पाई आर टू क्यूब, और लास्ट का प्रेशर 40 बाय आर, 4 बाय 3 पाई आर क्यूब। तो नया रेडियस बबल का क्या बन गया, आर। तो यहाँ से आर वन से आर वन स्क्वायर कट गया, आर टू से आर टू, आर से आर, 4 बाय 4 बाय 4 पाई आंसर। तो जो बबल का नया रेडियस आएगा वो इसके इक्वल आएगा, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। सीधा ऑब्जेक्टिव में शॉर्टकट लगाना है, प्रूफ तो कोई पूछे ना पूछे, शॉर्टकट पता होना चाहिए। तो समझ में आ रहा है आप क्या करना है, तो इसे नोट कर लें और इसे हाईलाइट कर लें।